हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिजीत एंड यू आर वाचिंग दी अभिजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि मैक्लॉरिन थ्योरम पे मैं वीडियो नंबर 6 लेने जा रहा हूं। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 5 प्रॉब्लम अपलोडेड हैं, तो अगर आप देखे नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए या लिंक में जाइए या प्लेलिस्ट में जाइए, कहीं जाइए, आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें है कि प्रूव दैट लॉग 1 प्लस ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू लॉग 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 8x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 192x टू द पावर 4 प्लस डॉट डॉट। हमें क्या करना है कि इसका एक्सपेंशन मैक्लॉरिन थ्योरम से प्रूव करना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन को एक्सपेंड करने के लिए हमें सबसे पहले मैक्लॉरिन थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, जो क्या है, एक्सपेंशन है जनरल, वो याद होना चाहिए। तो मैं उसी का यूज करूँगा। तो लिखेंगे कि प्रूफ, देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है कि बाय मैक्लॉरिन M.Sc बाय मैक्लॉरिन थ्योरम वी हैव, हमें पता है कि y इक्वल्स टू क्या होता है, y ऑफ 0 प्लस x इंटू y1 ऑफ 0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y2 ऑफ 0 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल y3 ऑफ 0 प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल y 4 ऑफ 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें, ठीक। अब मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है, y ऑफ 0, y1 ऑफ 0, y2 ऑफ 0, इन सब की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, वही मेरा एक्सपेंशन हो जाएगा लॉग 1 प्लस e टू द पावर x का, ठीक। तो सबसे पहले मैं कंसीडर करूंगा कि लेट y इक्वल्स टू क्या है, लॉग ऑफ 1 प्लस जो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ, y e टू द पावर x, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, y निकल आया, अब y ऑफ 0 फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि सिंपली जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करूँगा, तो लॉग 1 प्लस e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि y1 फाइंड आउट करूँगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट में, तो y का y1 हो जाएगा, ठीक। और log इसका जब करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक। और जब इसका करेंगे तो क्या होगा, इन टू e टू द पावर x हो जाएगा। और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि e टू द पावर x प्लस 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा कि आपको बता दूँ कि पिछले वीडियो में जो मैं 5 नंबर का वीडियो लिया था उसमें बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डैट इज 1 अपान, डैट इज 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस ई टू द पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब हमारे पास y1 आ गया, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली y1 ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें पुट कर दूंगा, जहाँ x है वहाँ 0, e टू द पावर 0 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 0, तो हमारे पास सिंपली क्या आएगा, 1 अपॉन 2 आएगा, जैसे कि वहाँ पे आया था, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, y2 फाइंड आउट करूँगा, तो y2 को फाइंड आउट करने के लिए मैं इसी को, जैसे हमारा क्या है, ये y2 भी तो है, तो सॉरी ये y1 भी तो है, तो मैं इसको, ये y1 है तो मैं इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो हमारे पास क्या आएगा, y1 का क्या हो जाएगा, y2 इक्वल्स टू इसका 0, फिर ये और 1 अपन x टाइप का है तो नीचे बाहर माइनस है, और 1 अपन x का क्या होता है, माइनस अपॉन वाई एक्स स्क्वायर, तो बाहर माइनस, तो अल्टीमेटली प्लस, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा कि आप देख लीजिए 1 अपन 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर, और फिर जब 1 प्लस e टू द पावर x का करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा, ठीक। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, y2 मेरा निकल आया, अब मैं y2 ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, इसको मैं सिंप्लीफाइड करके लिखूँगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए कैसे लिखता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y2 इक्वल्स टू को कि e टू द पावर x, जैसे कि वीडियो नंबर 5 में लिखे थे, प्लस 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक, बिल्कुल सेम वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो 1 प्लस e टू द पावर x ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसके जगह पे
मैं क्या करूँगा, वाई वन लिखूँगा। ठीक, आपको मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, देख लीजिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि वाई वन फिर से इनटू, देखिए इसके जगह पे इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे और वाई वन को इस साइड ले आएंगे, तो वन माइनस वाई वन हो जाएगा। ठीक, अब मैं थोड़ा इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये मेरा वाई टू चल रहा है, तो वाई टू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये मेरा वाई टू आया। ठीक, अब मैं वाई टू ऑफ ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो वाई टू ऑफ ज़ीरो इक्वल टू क्या होगा, वाई वन ऑफ ज़ीरो, ठीक, माइनस वाई वन ऑफ ज़ीरो का होल स्क्वायर। ठीक, तो वाई वन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू वन बाई टू और इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो वन बाई फोर हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये वन बाई फोर आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, अब मैं वाई थ्री निकालूँगा। ठीक, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये वाई टू का वाई थ्री फिर से माइनस इसका वाई वन का वाई टू फिर से इसका क्या होगा टू वाई वन और वाई वन का क्या हो जाएगा अल्टीमेटली वाई टू हो जाएगा। ठीक, अब मैं वाई थ्री ऑफ ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, वाई टू ऑफ ज़ीरो माइनस टू वाई वन ऑफ ज़ीरो फिर से क्या वाई टू ऑफ ज़ीरो। ठीक, तो वाई टू ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, देख लीजिए वन बाई फोर है, तो पुट कर दीजिए माइनस टू वाई वन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ऊपर वन बाई टू है तो इंटू वन बाई टू कर दीजिए, और वाई वन ऑफ ज़ीरो की, अब फिर से वाई टू ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, वन बाई फोर है। ठीक है, तो वन बाई फोर है, इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा आप तो क्या आएगा, हमारा ज़ीरो आएगा, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए टू से टू कैंसिल। ठीक, और वन बाई फोर पॉजिटिव वन बाई फोर निगेटिव अल्टीमेटली ज़ीरो। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, वाई फोर फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा, तो उसके लिए इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई थ्री का वाई फोर फिर से इक्वल्स टू इसका क्या होगा, वाई थ्री हो जाएगा। ठीक, और इसको यू इंटू वी से करेंगे, तो यहाँ पर माइनस वाई वन को करेंगे तो क्या होगा, वाई टू होगा, तो टू वाई टू पहले से भी है, तो टू वाई टू का होल स्क्वायर फिर से माइनस टू, अब मैं वाई वन को एज इट इज़ छोड़ूंगा, अब फिर से वाई टू का करूँगा तो क्या वाई थ्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब मैं वाई फोर ऑफ ज़ीरो की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, जो कि यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करके करेंगे, जैसे इसको पुट पुट करके करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं कर दे रहा हूँ वाई थ्री एफ ज़ीरो माइनस टू वाई टू एफ ज़ीरो का होल स्क्वायर माइनस टू वाई वन ऑफ ज़ीरो फिर से वाई थ्री ऑफ ज़ीरो। ठीक, अब सबकी वैल्यू पुट करूँगा, क्योंकि मैं निकाला हूँ इसकी वैल्यू जीरो आई है, देख लीजिए वाई थ्री ऑफ ज़ीरो फिर से माइनस टू इसकी वैल्यू वन बाई वाई टू ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, वन बाई फोर है, तो अल्टीमेटली स्क्वायर है तो वन बाई सिक्सटीन फिर से माइनस टू फिर से वाई वन ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, वन बाई टू और इसकी वैल्यू वाई थ्री ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो है, तो ये खत्म। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस ऑफ वन बाई एट आएगा, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन सब की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर वन में, जो जैसे कि जो मैक्लॉरिन जो मैंने थ्योरम ऊपर कंसीडर किए हैं उसमें पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग आल द, प्लीज़ कंप्लीटली वीडियो को देखिए तभी आपको समझ आएगा, पुटिंग आल द वैल्यूज इन मैक्लॉरिन मैक्लॉरिन सीरीज, देखिए हमें क्या मिलता है, हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा जो ऊपर मैक्लॉरिन सीरीज था हमारे पास क्या था, y की वैल्यू log ऑफ वन प्लस y की जगह पे e टू द पावर x है। ठीक, और यहाँ पे था y ऑफ जीरो जिसकी वैल्यू मैं क्या निकाला हूँ, log ऑफ टू निकाला हूँ, आप चाहे तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, फिर से x है फिर से इंटू है y वन ऑफ जीरो जिसकी वैल्यू मैं क्या निकाला हूँ, वन वन बाई टू निकाला हूँ, फिर से यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू, आपको होप याद हो गया हो अभी तक। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, वाई टू ऑफ जीरो की वैल्यू फाइंड आउट किया हूँ क्या, वन अपान फोर, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक, फिर से होता है एक्स क्यूब अपान थ्री फैक्टोरियल, अब वाई थ्री ऑफ जीरो की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया हूँ, वो मैं ज़ीरो किया हूँ तो वहाँ रख दिया, फिर एक्स टू द पावर फोर अपान फोर फैक्टोरियल और वाई फोर ऑफ ज़ीरो की वैल्यू माइनस ऑफ वन बाई एट अभी को निकाला हूँ। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं कि थोड़ा सा और बचा है प्लीज़ कंप्लीट लिखिए, log 2 प्लस 1 बाई टू, ये 1 है और ये x, ठीक, प्लस 1 बाई एट, यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा अल्टीमेटली, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 अपान ये 4 फैक्टोरियल है
ये 4 × 8 मत कर दीजिएगा, इसलिए क्या आया यहाँ पे 192, फिर से एक्स टू दी पावर 4, फिर से प्लस डॉट डॉट, यही मेरा क्या होता है सीरीज एक्सपेंशन है मैक्लॉरिन थ्योरम से लॉग 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का, चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए लॉग 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का एक्सपेंशन है। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए।